रोटी बना रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें ये चूल्हा है मिट्टी का जो बना हुआ, तो ये देखें बहन रोटी बनाओ, गरो गरो रोटी गरो। हाँ ये देखें नाजरीन, तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालदैन, मेरे अजीज़ो कारी, मेरे दोस्त अबाब, जितने मुझे देखने वाले मेरे चाहने वाले, आप सबकी दुआओं से जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जो लोग वीडियो देखते हैं मेरी, प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलते हैं कि यहाँ पे एक और हिंदू भाई हैं, उनके घर तो भील बरादरी से इनका ताल्लुक रखता है, तो मैं वहाँ की आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ। आए चलते हैं उनके घर, देखते हैं उनकी दुख तकलीफ पूछते हैं उनसे चल के। यहाँ पे चलते हैं अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बाहर मेन इन्होंने इसी तरह अपने घर दीवार बनाई हुई है, कांटों की बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं व्यूअर। यहाँ पे ये इनका घर है, ये देखें मिट्टी का सारा बना हुआ ये घर है, आप लोग देख सकते हैं नाजरीन। यहाँ पे इन्होंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ हद्दी वाले बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, माँ बैठी हुई हैं, तो ये इनका एक रूम है यहाँ पे। चाचा एक ही कमरा है आपके पास यहाँ पे, तो इसी में कितने कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? चार लोग रहते हैं एक ही कमरे में, चार लोग रहते हैं। अच्छा तो कहाँ है बाकी यहाँ के? ये खड़ी है, ये छोटी बेटी ये खड़ी हुई है, इधर से बाहर निकल गया है छोटा। अच्छा तो नाजरीन जैसा है, जैसे कि मैं बताता चलूँ अंदर भैया, तो ये रूम है अंदर, चलते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लांडी टाइप देखें इन्होंने रूम बनाया हुआ है, ये इन्होंने बिस्तरे वगैरह अपने रखे हुए हैं यहाँ पे इसी तरह, ये देख सकते हैं ये लांडी टाइप इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे बीच में इन्होंने देखें ये कितना रोटी रखने वगैरह के लिए अपने जो इन्होंने लटकाई हुई है चाबी किसी से कहते हैं वो, आप लोग देख सकते हैं ये अंदर, ये चूल्हा भी इन्होंने यहीं पे बनाया हुआ है अंदर, आप लोग देख सकते हैं नाजरीन। और माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत मिट्टी का इन्होंने जो लांडी बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है अंदर से, आप लोग देख सकते हैं सारी ये। और ये खिड़की लगा इन्होंने बनाई हुई थी व्यूअर्स, खिड़की देखें किस तरह मिट्टी की सारी बनाई हुई, बीच में सुराख छोड़ दिए हैं, इसी तरह इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी पेटियाँ वगैरह आटा रखने की जगह वो बनी हुई है, तो चलते हैं बाहर। अम्मा हम पूछा तो अवां जे बाहर घणा छोकरा घणा छोकरी न्याणी घणे पंज छोकरन पांच लड़के हैं तो दो लड़कियां हैं, ठीक ठीक तो क्या करते हैं आपके छाता करन अवां जे पुटा मा? अच्छा मजदूरी, सही सही सही। अच्छा माँ जिस तरह कह रही हैं कि बरसात होगी, ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत होगी तभी हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर पाएंगे, अगर बरसात नहीं है तो इसी तरह हमारा गुजर सफर, मजदूरी करते हैं फिर तो इसी तरह बैठे रहते हैं। अगर बरसात अमां अगर मी वसे तो तडे अमां खेती बाड़ी फसल पोखी होता ये ना, जडे मी कौन तो वसे तडे। अच्छा फिर आप लोग कितने था वो मजदूरी कर अमां? मजदूरी नाले में सजाए था उतफरी करन दे कई कयो के इथ करो असा जो वो काम करो कम करो भाई मजदूर जेड़ी पचा फेरो जित करी उत तो जो मिले। तो अम्मा कह रही है कि जिस तरह के फिर जा अगर बारिश वगैरह नहीं होती तो हम लोग मजदूरी करने कहीं और साइडों पे निकल जाते हैं, जैसे अभी गंदम का सीजन चल रहा है गंदम काटने चले गए, और कपास का सीजन आता है मिर्ची का सीजन आता है, तो इसी तरह मिर्ची की चनाई और कपास की चनाई करने यहाँ पे बाहर जिमीदारों के पास चले जाते हैं। तो अदी आप आपका क्या नाम अदी तवा नालो? अच्छा नालो अमा जो तो जिस तरह अम्मा का नाम है खेतू, तो अम्मा तवा घना बार चार मुर्जा नालो हाँ, जिस तरह अम्मा के शोहर का नाम सतराम है चार, वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, सही सही यहीं पे मजदूरी वो भी करते हैं।
कभी लकड़ी काट ली, कभी किसी मजदूरी कितनी मिल जाती है माँ? मजदूरी 100-200 रुपए मिल जाती है। तो कितने बच्चे आपके, किस तरह गुजारा होता है ये आपका? गुजारा नहीं होता, जिस तरह अम्मा कह रही है गुजारा बहुत मुश्किल होता है। 200 रुपए में अगर मजदूरी, अगर 200 रुपए भी वो कमाता है। अच्छा, 3,000 रुपए मन आटा है तो जाहिर सी बात है अम्मा, फिर 200 रुपए में। और कितने आपके, कितने घना टोटल फैमिली या मेंबर है तवाजा मानू घना? छह, जिस तरह छह हैं और छह के मजदूरी एक ही बंदा करने वाला है। आप जिस तरह के नाजरी मैं बताता चलूं, एक ही बंदा है जो छह जनों को, अपने छह अफराद को घर के जो हैं उनको वो पाल रहा है। अब 200 या 300 रुपया दिहाड़ी उसकी लगती है, मुझे बताएं कि वो बेचारे क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं ये लोग किस तरह अपना गुजर सफर करते हैं, किस तरह ये अपनी मेहनत करते हैं। कभी होती कभी नहीं होती है। अच्छा, ये सदा नहीं होती है, तो 200-300-400 कभी होती है कभी नहीं होती है। मना डेली वाइज नहीं है? नहीं, सही मना कभी कभी कभार, कभी कभार होती है। मतलब के एक दिन दो दिन दिहाड़ी लगी, तीन दिन चार दिन, अच्छा तीन चार दिन भी बैठ के। तो जैसे कि नाजरीन आप लोग सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं कि अम्मा वाले कह रहे हैं कि अगर मजदूरी दो दिन लग गई तो तीन दिन, तीसरे दिन मजदूरी नहीं लगती, फिर बैठ के बैठे रहते हैं, फिर कोई मजदूरी आ गई तो करने ये लोग चले जाते हैं। इसी तरह ये दूर इलाकों में रहते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं सारे। तो देख सकते हैं, आपका क्या नाम है भाई? केवल है। केवल, केवल क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी क्या करते हो? यही खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, तो यहाँ पे ये तो थर का इलाका, खेती बाड़ी किस साइड पे करते हो? साइड नीचे सिंध की तरफ जाके। ठीक ठीक, जैसा कि नाजरीन ये भाई भी कहते हैं मैं खेती बाड़ी करता हूँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका सारा घर है, ये इन्होंने लकड़ी का जो बनाया हुआ है बैठने की जगह, जिस तरह गर्मियों में यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसी तरह आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, ये पूरी फैमिली के मेंबर अपने इनके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये घर मैंने आप लोगों को विजिट करवाई यहाँ पे। तो जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं यहाँ पे इनको किस तरह मुश्किलात आती हैं, जो परेशानी है आप लोग मजीद समझ सकते हैं। नाजरीन मैंने यहाँ पे आप लोगों को विज़िट करवाई, जो हमारे हिंदू भाई यहाँ भील रहते थे, उनके घर को, घर की उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानी आप लोगों को दिखाई। तो इसी तरह इनका गुजर सफ़र होता है, बेचारे इसी तरह अपना गुजर सफ़र करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहा करें, और साथ होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के साथ से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मुझे, अल्लाह हाफिज़।